shadow through the sun rays. And I... जोहार, अभी हम आए हैं डंगरटोली के रोड में, जो कि यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है लोयला ग्राउंड में ट्राइबल ट्रेड फेयर का नाम से। और वहाँ पे अंदर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉल है और वहाँ पे ट्राइबल लोग का हर कुछ जो सामान होता है, वहाँ पे कल्चर झारखंड का हर कुछ वहाँ पे मिलता है। तो जाते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर और इस तरह का यहाँ पे लगा हुआ है टेंट उंट, और जैसे झारखंड में कल्चर होता है कैसा घर होता है गांव में, तो उस तरह का यहाँ पे किया गया है। तो अभी जा रहे हैं, हम भी आगे दिखाते हैं। तो जैसे गांव में जैसा घर होता है, मतलब इस टाइप का पॉल ऊपर रहता है, कच्चा के घर रहता है गांव में, तो मैं इस टाइप का घर का ब्लॉग डाल चुका हूँ। तो ये एंट्री गेट है और यहाँ पे स्टॉल, आपका अंदर बहुत सारा स्टॉल है जो कि ट्राइबल लोग का यहाँ पे प्रमोशन किया गया है। इस बार काफ़ी अच्छा स्पेस में है। तो जा रहे भी हैं। अभी हम लोयला ग्राउंड के अंदर आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या खास है, क्या इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ कवरेज करने की कोशिश करेंगे। और मोराबादी में भी मेला लगा हुआ, मगर यहाँ भी अलग मेला है। तो जाते हैं भी आगे। तो ये पुआल लगा हुआ पूरा झारखंड का, मतलब ट्रेडिशनल कल्चर को लेके इस तरह का यहाँ पे मेला को बनाया गया। और हर एक स्टॉल में भी जाके देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। दूसरा स्टॉल में हम घुसे, यहाँ पे हाथ से बना हुआ पेंटिंग है झारखंड का हर कुछ कल्चर, साथ हम एक बार एक करके दिखाते हैं। जरूरी भी है, लेकिन ये ट्रेडिशनल कल्चर जो होता है झारखंड का वो है। बाकी यहाँ पे कैसे लोग, ये भी पेंटिंग काफी अच्छा है। और ये भी आप एंट्री कीजिएगा तो यहाँ तीसरा स्टॉल में नेपाल का कुछ कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पे राजीव ठंडा पड़ने वाला, और यहाँ पे जो जितना भी प्रोडक्ट है सब हाथ से ये बना हुआ है। तो ये खास नेपाल से ही है, ये नेपाल से ही है मेन, ये फाइबर है वो थोड़ा स्पेशल है हमारा, इसे हेम्प कहते हैं। और ये जो कैनबिस प्लांट होता है उसके पूरे ये से बनता है, बास से बनता है ये फाइबर। कितना प्राइस का ये वाला आपको 1100 पड़ेगा। तो दोस्तों आगे का प्रोग्राम बहुत ही खास, कलेक्शन साइकिल से रिलेटेड सब अपने लिंक्डइन नेटवर्क के जरिए स्टेज पे प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आके आप परचेज कर सकते हैं। तो अभी जाते हैं आगे स्टॉल में भी आपको दिखाते हैं। स्टॉल नंबर 3 है जयपुर से, तो आप सभी लोग मौजूद हैं। हम युवा रंगमंच के बातों को आपके बीच रख सके, मात्र 30 मिनट का बहुमूल्य समय नहीं है। स्टॉल में आया है जो झारखंड का जो कल्चर संस्कृति, जो पहले जंगल में लोग रहते थे इस तरह से टोपी का यूज करते थे जैसे धूप वूप से बचने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा ये हाथ से प्योर बना हुआ है। और यहाँ पे ट्रेडिशनल जो झारखंड का ड्रेस यहाँ पे आके परचेस कर सकते हैं, मॉफलर हुआ, जैकेट हुआ या गमछा, यहाँ पे सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। और ये पगड़ी भी है, काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे आके परचेस कर सकते हैं। तो चलते हैं भी आगे काउंटर, ठीक है भैया।
हम सब तैयार होकर ही आए हैं, मोहब्बत का मेकअप लगा के आए हैं, क्या ट्रैफिक का चेकअप करा कर आए हैं, और जो नहीं आए हैं उनको मैसेंजर में बता के आए हैं और टेलीग्राम में। वाह वाह मेरे दिल जलो, अब गाना तो शुरू करो। नौकरी का लालच देके, नौकरी का लालच देके बैंक वाले बाबू बन के करते हैं वो कॉल कॉल। ठीक है हम समझ गए। लास्ट में यहाँ पे खाने के स्टॉल में आया है, जो कि झारखंड का जो ट्रेडिशनल जो खाना ढोसा कचरी छिलका वो सब आपको लाइव दिखाते कैसे बनता है, तो अभी दिखाते हैं यहाँ का। जैसे आप एंट्री कीजिएगा बैक साइड में आपको मिल जाएगा खाने का, ये ढोसा बोल सकते हैं इसको, बट कचरी अभी खत्म हो गया है। यहाँ पे ट्रेडिशनल जो झारखंड का जो खाना है यहाँ पे छनाया जा रहा है, जैसे ढोसा आप देख रहे हैं, तो मैम ने अभी डाल दिया ढोसका को तेल में और उधर पकौड़ी निकल रहा है, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं जी। बहुत चाव से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और खा रहे हैं, काफी अच्छा टेस्ट है, आप भी यहाँ पे आकर ट्राई कर सकते हैं। स्टॉल पीछे ही लगा हुआ है। यहीं पे एंड करते हैं और काफी अच्छा मेला है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस आपको मिलेगा, लड़की का ज्यादा यहाँ पे शॉपिंग स्टॉल है, और खाने पीने का जो जो कल्चर है वहाँ पे ये भी सब भी है। तो यहाँ पे अभी वीडियो एंड करते हैं और जाते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई